हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम जा रहे हैं कटोरी चाट बनाने के लिए, जो बहुत ही अलग तरीक़ों से मैंने बनाया है और आपको ये रेसिपी बताऊंगी कैसे बनाना है। अगर आपको वीडियो देखनी है, पूरी रेसिपी देखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आइए देखते हैं ये कटोरी चाट कैसे बनाना है हमें। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने मेथी लिए हैं और मैदा लिए हैं। ये मैंने जो डाले पनीर डाले, पनीर मैंने घर पर बनाया था, आप बाज़ार से भी ला सकते हो पनीर। ये सभी को मिक्स कर दिया। इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट डाल दिए और थोड़े से धनिया पाउडर, थोड़े से गरम मसाला, थोड़े से हमने ओवा डाल दिए हैं, जो अजवाइन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, ये नमक स्वाद अनुसार। अब थोड़े से ऑयल डालेंगे, 2 से 3 स्पून। और मैंने थोड़े से चाट मसाले डाले हैं, चाट मसाले नहीं है तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं आप। ये सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे पानी डालकर गून लीजिए, डो रेडी कर लीजिए। जब आपके डो रेडी हो जाए तो आप इसे अच्छी तरीक़ों से रख दीजिए। तो ये देखिए, आपके जो डो थे वो रेडी हो गए हैं। सो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। ये मैंने कटोरी लिए हैं, उसमें जो हमारे आटे थे लोई बनाकर उसे बेल लिए हैं, जैसे हम रोटी बेलते हैं। फिर कटोरी के पीछे इसे अच्छी तरीके से चिपका देना है। जो एक्स्ट्रा लेयर्स रहेंगे उसे हमें कट कर देना है या फिर थोड़े थोड़े निकाल देने हैं आटे को। अब ये गरम तेल में कटोरी को डाल देना है, फिर इसे पकने देना है। उसी तरीक़ों से आपको लगाना है रोटी के जैसे बनाते हैं, तो मैं आपको ग्लास वाली बना के बताऊंगी। ये देखो, ग्लास को कढ़ाई में टेढ़ा करके चारों तरफ पलट पलट दीजिए, जिससे हमारे जो कटोरी हैं वो कच्चे ना रह जाए। सच बोल रही हूँ, अगर ये आप कटोरी चाट इस तरीक़ों का आप ट्राई करेंगे तो बच्चे तो ऐसे ही खा जाएंगे। इसमें चाट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितने अच्छे बने, वाव, वेरी अमेजिंग। ये मैंने भी सच बोलूँ ना तो फर्स्ट टाइम बनाया। मैंने सिर्फ मैदे के बनाए थे, लेकिन ये जो पनीर वाले और मेथी वाले फर्स्ट टाइम, लेकिन इतनी टेस्टी, मेरे हस्बैंड को तो इतनी अच्छी लगी, उन्होंने बोला तू बहुत ही अच्छी रेसिपी बनाई है। सो प्लीज़ आप भी ट्राई करो। ये देखो, मैंने बूंदी को भिगो दिए थे पानी में और उसमें पानी पूरी मसाले डाल दिए थे, बारीक कटे हुए प्याज रख लिए डाल दिए, बारीक कटे हुए टोमेटो, और मैंने इसके अंदर अनारदाने डाल दिए हैं थोड़े से, जिसे आपका जो टेस्ट होगा कटोरी चाट का और भी टेस्टी हो जाएगा। अब मैंने ग्रीन चटनी बनाए थे, बनाकर स्टोर करके ही रखती हूँ मैं। ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, लहसुन अदरक के पेस्ट बनाए हैं मैंने, और इमली की चटनी बनाया, इमली, खजूर और गुड़ के चटनी। इसे भी मैं स्टोर करके रखती हूँ, कम से कम 1 वीक तो आराम से चल जाते हैं, 10 दिन भी निकल जाते हैं। अब इसके अंदर ऐड कर दीजिए जो बूंदी है भिगोए हुए थे, थोड़ा सा अगर आपको चाहिए और डालना है तो डाल दो, नहीं तो ये सूखा ड्राई बूंदी मैंने डाले हैं। फिर उसके अंदर थोड़े से अनारदाने और डाल दीजिए, इसे अच्छी तरीक़ों से डेकोरेट कीजिए। और ये वाव थोड़े से धनिया पत्ती डाल दीजिए, वाव, अब मैंने ये थोड़े पानी पूरी मसाले ऊपर से जो डाले हैं ना, एकदम अलग ही टेस्ट आते हैं। आप जैसे मार्केट में पानी पूरी खाते हैं, उसके जो अंदर के छोले हैं ना, वो पानी पूरी जैसे लगते हैं और बहुत ही अमेजिंग। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको नहीं आपके पूरे फैमिली को पसंद आएंगे। और आप